हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोभा मली। सो गाइस, आज मैं आपके सामने पेश करूंगी एक मैजिकल प्रोडक्ट। एक्चुअली मैजिकल इसलिए क्योंकि बिल्कुल मैजिक की तरह इंस्टेंटली चुटकियों में ये प्रोडक्ट आपके ग्रे हेयर को एक नेचुरल ब्लैक लुक देगा। कहीं पर जाने से पहले क्या हम दो दिन पहले से मेकअप करते हैं? बिल्कुल नहीं। इंस्टेंटली आप मेकअप करके कहीं पर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब आप मेकअप करने बैठेंगे ना, बिल्कुल उसी टाइम में अपने हेयर को भी डाई कर लीजिए। इतना इजी और इतना कंफर्ट के अंदर ये हो जाता है कि मेकअप के साथ ही इसे आप कर सकते हो। तो इसलिए ये है मैजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि ये जब मेरे पास आया था ना तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि क्या ये इंस्टेंटली हेयर को, मतलब ग्रे हेयर को कवर कर लेगा। उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मैंने मिथुन के ऊपर ये अप्लाई किया। और मिथुन को तो आपको पता है कि सॉल्ट एंड पेपर से भरा है मिथुन का सर। तो इस तरह से तीन बार अप्लाई करने के बाद मुझे ये यकीन आया कि ये मैं आपके सामने ला सकती हूँ और आपको दिखा भी सकती हूँ कि कितनी आसानी से, अगर आप प्रोफेशनल ना हो तब भी आप अपने हेयर को बिल्कुल स्प्रे की तरह ड्राई कर सकते हैं। तो चलिए और एक बार लाइव एक्सपेरिमेंट मैं मिथुन के ऊपर करती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर जो आप देख रहे हैं ना, रिसेंटली मैंने इसे कलर करवाई है और बाय गॉड ग्रेस मेरा कोई ग्रे हेयर नहीं है। तो इसलिए मिथुन के पास जब है, जब वो धनवान है, तो इस धनवान को हम भी कुछ इनकश करें। तो उसके ऊपर आज ये मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से चुटकियों में इसका लुक चेंज हो जाता है। और ये जो स्प्रे है ये बिल्कुल सेकंड्स में पूरे हेयर को कलर कर देगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है लॉरियल पेरिस का मैजिक रिटच। और ये जो है ना, ये पलकों में आपका पूरा जो हेयर रूट है इसे ब्लैक कर देगा और एक नेचुरल ब्लैक लुक भी देगा। और आपके ग्रे हेयर का जो प्रॉब्लम है ना, बहुत मुश्किल होता है ग्रे हेयर को कवर करना। सो गाइस, ग्रे हेयर को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा चीज़ ये है कि ये टेम्पररी कलर है। अगर ये यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि कुछ आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो इसे आप वॉश भी कर सकते हो, एक वॉश से ये चला जाएगा। तो इस तरह से इसका दो शेड आता है, एक है ब्लैक, एक है डार्क ब्राउन। तो मेरे पास जो है ये है ब्लैक। तो आपका जो जरूरत है उस हिसाब से आप अपना शेड चूज कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनली सुपर पॉपुलर है, बहुत सारे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी फिक्स फॉर रूट्स है, जो कि एक गेम चेंजर के हिसाब से काम करता है। सो गाइस, इसे यूज करने से पहले थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा और 10 टू 15 सेंटीमीटर दूर से इसे स्प्रे कीजिएगा। इट इज सुपर इजी टू अप्लाई, ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है और ये तब तक लास्ट करता है जब तक ना आप नेक्स्ट हेयर वॉश करो। और ये 25 टाइम्स अप्रोक्स यूज कर सकते हैं। और ये है एमोनिया फ्री और स्मच प्रूफ। और इसके माइक्रो डिफ्यूजर के कारण सिर्फ टारगेट एरिया में ही ये कलर होता है, कहीं और नहीं। जैसे कि मैंने अपना हाथ यूज किया था और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में बिल्कुल भी कलर नहीं लगा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप जैसे भी जैसे जैसे इसे यूज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे उस एरिया को ही ये बस कवर करेगा। और इसका ये जो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये बहुत ही स्लिम और क्यूट सा पैकेजिंग है, ताकि आप इसे ट्रैवल बैग में भी इसे डाल सकते हैं। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है। और इसका जो ये नोजल देख सकते हैं ना, ये बहुत ईजी है अप्लाई करना, कहीं पर भी कभी भी आप इसे अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे ये लॉरियल पेरिस का मैजिक रिटच तो बहुत अच्छा लगा और इनका जो कॉन्सेप्ट है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ये चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और हमेशा अपने पर्स में इसे रख सकते हैं, बिल्कुल परफ्यूम की तरह। जब भी लगेगा कि हाँ, वहां से कोई ऑफिस से आपका इंस्टेंट कोई पार्टी का प्लान बन गया, तो वहां पे आप जस्ट वॉशरूम में जाइए और थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल यंग बन के आइए। गाइस, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये जो सारे बाल है ये ब्लैक हो चुका है। और मिथुन के लुक के साथ, मतलब जो सूट करेगा उस हिसाब से मैंने कलर करवाई है। आपको ये डेमो भी देना था कि कितनी अच्छी तरह से ये पूरे बालों को कवर करते हैं। और थोड़ा बहुत मिथुन के चॉइस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि मिथुन का थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर अच्छा लगता है। तो उस लुक को मैं बरकरार रखते हुए इससे मिथुन का हेयर का कलर करवाई, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। इनका भी नया हेयर कट है, तो ये इसमें बहुत अच्छा भी लग रहा था, सॉल्ट एंड पेपर में भी अच्छा लग रहा था। पर ये अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल मतलब बहुत यंग लग रहे हो, मतलब 10 ईयर्स तो वैसे भी कम कर लिया है तुमने। ये हेयर स्टाइल करके 5 ईयर्स कम कर लिया और ये हेयर कलर का टोन भी 5 ईयर्स, टोटल 10 ईयर्स कम हो गए तुमका। सही बात बोले, तो अभी तुम टेंशन में आ जाओगी ना। तुम्हें फीलिंग्स कैसा आ रहा है, मतलब ये करने के बाद? तुमने किया है तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझसे भी ज्यादा। ये मैंने बिलीव नहीं किया कि 1 मिनट में कलर हो सकता है। 1 मिनट में मेरा पूरा हेयर कलर हो गया। लास्ट जो मैंने ब्लॉग शूट किया उसमें आप देखना, इनके जो ग्रे हेयर है वो नहीं दिखा। तो वो मैंने पूरा नहीं किया था, वो सिर्फ ऊपर वाला ये वाला हिस्सा। और आज फिर से हेयर वॉश करके, मतलब हेयर वॉश करने से ये चला जाता है। हाँ। उसके बाद आपको डेमो देने के लिए फिर से करवाइए। थोड़ा सा तुम्हारा हाथ इसमें बालों से फैला के दिखाओ। हाँ, फैला के दिखाओ कि तुम्हारे हाथ में ये कलर आ रहे हैं कि नहीं। देखो दूर से दिखाओ, बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। हाँ,
ये कलर हाथ में भी नहीं आएगा अच्छे, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए इसे टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ये कलर हाथ में भी नहीं आता। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छा लगा, ये टेक्निक अच्छा लगेगा बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा हम दोनों को। और स्पेशली और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा इसका, इससे क्या होता है डाई जब करते हो आप तो डाई धोने से पहले तक आपका हेयर पूरा स्टीफ रहता है, ये रहता है, वो चीज़ भी नहीं रहता, वो चीज़ नहीं है, हेयर पूरा स्टीफ नहीं होता। तो इसीलिए मैं हाथ घुमा पा रहा हूँ ना बालों में, ये जो हाथ घुमा रहा हूँ कोई स्टीफ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये एक्चुअली बहुत काम आने वाला है मिथुन का, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जस्ट टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, पर ये हमारे फैमिली में रियली जरूरत है ये इस चीज का। मतलब ससुराल जब जाऊंगा तब स्प्रे करके जाऊंगा। तो कल जाना, कल कर दो। तो चलिए गाइस, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो आपके साथ शेयर करके, और मतलब हम दोनों मिलकर जो वीडियो बनाते हैं ना, हम खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है। आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं जो भी आपको रिव्यू में देती हूँ ना वो रियली रियली वो इंफॉर्मेटिव होता है कि आप खुद भी कभी यूज करके देखना, उसके बाद बोला कि शोमाली तुमने ये क्या बोला था, झूठ बोला था या सच बोला था, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना। आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में भी मिथुन मेरे साथ आए। तो एक्चुअली बहुत ज्यादा मस्ती होता है वीडियो शूटिंग में कुछ मेरा गलती, कुछ मिथुन का गलती, सब कुछ मिला के एक परफेक्ट कुछ बनता है कॉन्टेंट। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। लॉरियल पेरिस का ये मैजिक रिटच का अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो वहां पे जाके चेक करके एक बार खुद इसे देख सकते हो कि मैंने जो बोला वो सच है कि नहीं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तो फिर आपसे मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।